हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आराध्या की रसोई में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सांभर, जो कि बनाऊंगी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी। और इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा मतलब डालने की ज़रूरत नहीं, मसाले वगैरह जो अलग से जो भी आपके घर में अवेलेबल मसाले हों उसी से हम सांभर बनाएंगे और बहुत ही अच्छा बनाएंगे कि आप मतलब एक बार बनाकर देखोगे उस तरीके से तो आप मतलब दोबारा उसको बनाने के लिए मजबूर हो जाओगे। मतलब इस तरीके से हम सांभर बनाएंगे। तो सांभर बनाने के लिए देखिए, मैंने ज़्यादा सब्जियां नहीं ली है। मैंने कद्दू लिया है, लौकी ली है, 3 टमाटर लिए हैं, 1 आलू ली है, कुछ मैंने हरी मिर्च ली है और थोड़ी सी मतलब 1 कटोरी के लगभग मैंने अरहर की दाल ली हुई है जिसे मैंने भिगाने रखी हुई है। इसको अभी मैं वॉश करके सारा हम एक कुकर में डाल देते हैं सारी चीज़ कट करके। तो ये देख सकते हैं मैंने सारी सब्जियां काट ली है अपनी, आलू, टमाटर, लौकी, कद्दू और हरी मिर्च। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं डालूंगी। अगर आपको और भी वेजिटेबल डालने हैं इसमें तो आप डाल सकते हैं, जैसे बीन्स, बैंगन और मतलब और भी जो वेजिटेबल आप लोगों को पसंद है, बट मैं इतने ही वेजिटेबल से ही सांभर बनाऊंगी। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमारी दाल है अरहर की उसको भी हम इसमें डाल देते हैं। देखिए, और आपको जितना भी पानी मतलब इसमें आपको ग्रेवी की बनानी है सांभर की उतना आप ले लीजिए। तो ये देखिए, बाकी हम इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे देगी मिर्च जो कि कलर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें हमने इसमें डाल दी हैं। हमें इतने ही मसाले हम इसमें ऐड करने वाले हैं, हम ज्यादा मसाले इसमें नहीं डालेंगे और सबको मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। और सीटी लगाने के लिए रख देते हैं, कम से कम हम इसमें लगाएंगे 5 से 6 सीटी ताकि जो हमारे वेजिटेबल है वो बहुत अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि हमें इसमें चाहिए ताकि हम उन्हें अच्छी तरीके से मेस सके। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जब ये सीटी लग जाए कि हमारी मिर्च जो है वो भी भून गई है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, हमने 2 बड़ी प्याज काटी हुई है जिसे हम डाल देंगे अपने तड़के में और इसे हम प्याज को भी अच्छी तरीके से इसमें फ्रेंड जो हमारे जो तड़का है वो बहुत अच्छी तरीके से भून गया है। बस अब हम इसमें डाल देंगे लास्ट में सांभर मसाला। तो जितना आपको सांभर मसाला डालना है उतना आप सांभर मसाला डाल सकते हैं। तो ये हम मिक्स कर देते हैं इसमें। तो ये हमारा तड़का जो है वो बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं आप। इसको बस अब हम बंद करके और अपने सांभर में डाल देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा सांभर है, इसमें बस अब हम अपना तड़का ऐड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इसमें मिक्स करना है अपने तड़के को और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा जो तड़का है वो तो रेडी हो गया है सांभर में। अब हम इसमें डालेंगे लास्ट में इमली का पानी। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इमली का पानी बनाया हुआ है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं डालूंगी क्योंकि सांभर में थोड़ा सा खट्टापन हो तो ही सांभर बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है इमली का पानी। तो आप देख सकते हैं जो मेरा सांभर है वो बन के बिल्कुल रेडी है। और मैंने इसमें ज़्यादा कुछ भी ऐसे वेजिटेबल्स भी यूज़ नहीं किए हैं, जो मैंने डालना था मैंने आपको दिखा दिया है। तो देख सकते हैं आप, तो बस ये बनके हमारा रेडी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सांभर आप किस तरीके से बनाते हैं और अपने स्टाइल में वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगी आप लोगों के बताए हुए सांभर को कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।